काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याच्या विरोधात काँग्रेस करत असलेल्या प्रदर्शनाचा भारतीय जनता पक्षानं निषेध व्यक्त केला आहे. सत्याग्रहाच्या नावाखाली काँग्रेसकडून महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळावर जे काय सुरू आहे त्यातून काँग्रेसचा अहंकार आणि दुराग्रह दिसून येत असल्याची टीका भाजपाचे खासदार सुधांशु त्रिवेदी यांनी आज नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली. उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था. भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था. यह पहली बार अपने लिए अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है. काँग्रेसकडून केंद्र सरकार आणि भाजपा विरोधातील वक्तव्य स्वीकारली जाऊ शकतात, पण भारताविषयी आणि इतर मागास समाजाबाबत कोणताही घृणास्पद वक्तव्य स्वीकारलं जाणार नाही असं त्रिवेदी म्हणाले. भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है. सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विश्वमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे. परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उस पे राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है.